Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. Hi, I am Shreya. So I am back with another requested video. So मेरे subscriber ने मुझे request किया था कि मैं ये वाले skirt जो अभी आपको screen पे दिख रहा है ना, इसका review share करने के लिए मुझे उन्होंने कहा था. So मैंने इसके साथ और भी product order किए थे, but मुझे बस दो ही product अभी deliver हुए हैं, बाकी पता नहीं कहाँ हैं. So मैंने सोचा कि चलो skirt का ही review कर देती हूँ. So आज मैं दो product का review करूँगी जो कि मुझे deliver हो चुके हैं. So ये दोनों मैंने Fabuly से मंगवाया है. एक फेबेली का है मैक्सी ड्रेस और एक स्कर्ट है कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था उसका रिव्यू करने के लिए. सो लेट्स सी कि वो दोनों प्रोडक्ट कैसे हैं. एंड जो ये कुर्ती मैंने वेयर की हुई है ना, ये मैंने मिंत्रा से मंगवाया था. इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी किया हुआ है अपने चैनल पे. सो इसका रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है. उस वीडियो का आप चेक कर सकती हैं. काफ़ी ब्यूटीफुल सी कुर्ती है, आप देख सकती हैं. ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन कलर की है. इस पर ऑल ओवर ना गोल्डन फॉयल प्रिंट हो रखा है. इसके साथ आपको जैकेट भी मिलता है, ये कुर्ता जैकेट सेट है. सो मैंने बस इनर पोर्शन वेयर किया है उसका, जैकेट वेयर नहीं किया है. सो काफ़ी प्रिटी वाला कुर्ता है. आप इस टाइप की कुर्ती को ना, इस टाइप के कुर्ते सेट को ना राखी में भी वेयर कर सकती हैं, काफ़ी खूबसूरत लगेगा. सो या वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकती हैं. सो लेट्स सी कि वो दोनों प्रोडक्ट कैसे हैं. चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं. So let's see the first one. So the first one is this skirt. So बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड है इसका. वीडियो में आपको हल्का डिफरेंट दिख रहा है. एंड इसकी एमआरपी है 2950 रुपीज. एंड मेरा साइज है मीडियम. एंड इसका कलर इसमें पिंक लिखा हुआ है. सो इसका जो कलर है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल वाला कलर है. पीची पिंक टाइप का कलर है इसका. एंड इट माइट भी इसमें हल्का ब्राउनिश कलर भी एड है. कलर बहुत खूबसूरत है. मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती है कौन सा कलर है, क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट सा कलर लगा मुझे और बहुत ही प्यारा लग रहा है. सो इस पर ऑल ओवर फॉयल प्रिंट हो रखा है, आप देख सकती हैं. इसका फैब्रिक जो है वो जॉर्जेट फैब्रिक है. सो इस पर आपका इसमें जो आपको वेस्ट मिलता है वो इतना चौड़ा है. एंड वेस्ट पे आपको कोई इलास्टिक नहीं मिलता है. सो आप जब भी बाय करें, कोशिश करें कि आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लें, क्योंकि इसमें कोई भी इलास्टिक नहीं है. सो अगर आप लूज़ लेंगी तो ये फिटेड नहीं आएगा आपको, अगर आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं लेती हैं तो. सो कोशिश करें कि आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लें. मेरा हाइट 5.6 है एंड मैंने मीडियम साइज़ मंगवाया है इसमें, और मुझे अच्छे से फिट आया है ये. सो बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे, ये सच बता रही हूँ. एंड इसका कलर काफ़ी डिफरेंट सा कलर है. यू नो, गर्ल्स को इस टाइप के कलर्स बहुत पसंद आने वाले हैं. सो अभी जो कलर दिख रहा है ना, सेम वैसा ही कलर है ये, बिल्कुल सेम वैसा ही कलर है. सो फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पे आपको फॉयल प्रिंट मिलता है. एंड इसके नीचे आपको ये एक लेयर मिल रहा है. ये आई गेस साटिन नहीं है, पता नहीं कौन सा फैब्रिक है, बट थोड़ा शाइनी टाइप का फैब्रिक नहीं होता है, वो वाला फैब्रिक है. उसके बाद आपको इसके नीचे कैन दिया गया है. सो इसके वजह से इस स्कर्ट का लुक थोड़ा फ्लोई सा आ गया है, काफ़ी प्रिटी लगता है वेयर करने के बाद. सो कैन के बाद आपको एक और लेयर मिलता है. सो इसमें आपको चार लेयर मिल रहे हैं, जिसके वजह से ना नीचे से इसका लुक बहुत खूबसूरत आता है. एंड इसमें कैनकिन यहाँ से अटैच है. सो यहाँ से स्टार्ट है कैन और यहाँ तक है, और बाकी का जो नीचे पोर्शन है वो प्लेन है. यहाँ पे आपको कोई कैन कोई भी लाइनिंग नहीं दी गई है, यहीं तक है. उसकी वजह से इसका लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत आता है, आपको ट्राउन में दिखेगा अच्छे से. साइड में आपको ऐसा हुक मिल रहा है और साथ में ये जिप क्लोजर है. सो आप कोशिश करें कि आप इसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मंगवाएं, क्योंकि हल्का सा भी ढीला होगा ना तो लुक अच्छा नहीं आने वाला है. कोशिश करें कि आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मंगवाएं, अच्छे से साइज़ को चेक कर लें, उसके बाद ही मंगवाएं आप. सो या दिस इज़ द स्कर्ट, मुझे बहुत पसंद आया है, आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकती हैं. सो या दिस इज़ द फर्स्ट वन. Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go.
नेक्स्ट वन. सो ये जो मैक्सी ड्रेस है ना, जब मैंने फेवेली का वेबसाइट ओपन किया था ना, तो ये मुझे बिल्कुल फ्रंट में ही दिखा था. आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी. मैंने जैसे ही ओपन किया, ये बिल्कुल फ्रंट में ही लगा हुआ था और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया. सो मैंने सोचा इसको तो ऑर्डर करना बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था. सो इसकी जो MRP है वो है 2600. जितनी की पड़ी है स्क्रीन पे दे दूंगी. सो ये फुल्ली नेवी ब्लू कलर की है, आप देख सकती हैं. एंड इस पर ऑल ओवर ना इस टाइप का वर्क दिया गया है. थ्रेड वर्क है ये, प्रिंट नहीं है, थ्रेड वर्क किया हुआ है. सो ये कहीं जाने वाला नहीं है. बहुत अच्छे से फिनिशिंग दी गई है. एंड ये आपको हॉल्टर नेक मिलता है इस टाइप से. इसका नेक यहाँ से स्टार्ट होगा. सो अगर आप इस टाइप के हॉल्टर नेक ड्रेसेस वेयर करना आपको पसंद है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकती हैं इसको एक बार. बैक में आपको ये बटन दिया गया है इसको. सो या एंड साइड में आपको जिप क्लोजर मिलता है. सो जिसके वजह से पहनने में काफ़ी आसानी हो जाती है. अगर आप कोई भी फिटेड ड्रेस लेते हो ना, तो साइड में जब वो रहता है ना जिप, तो काफ़ी ईजी हो जाता है वेयर करने में. सो इसमें मेरा साइज मीडियम है. वेस्ट पे आपको टाइप के लिए वेस्ट बेल्ट भी मिल रहा है. सो आपको ट्राई में दिखेगा कि इसका ओवरऑल लुक कैसा है. एंड ये ना रफल वाले डिज़ाइन में आप देख सकती हैं, इसमें लेयर्स में है, आप देख सकती हैं 3 लेयर्स में है. तो उसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा फ्लेरी हो गया है, आप देख सकती हैं. सो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी वाला लुक आएगा इसको वेयर करने के बाद. आप इसको अपने न्यूड सैंडल्स के साथ वेयर कर लो, बहुत खूबसूरत लगने वाला है. एंड सर्दी के टाइम पे ना आप इसको अपने डेनिम जैकेट के साथ वेयर कर लो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक आने वाला है. आप मेरे आगे के वीडियो में देखोगे, मैं इसको स्टाइल करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी डिफरेंट लुक के साथ. सो या एंड वन मोर थिंग, कपड़ा काफ़ी थिक है. सो अंदर अगर लाइनिंग नहीं भी होती तो भी चलता, बट आपको इसमें घुटने तक लाइनिंग दी गई है, नी तक आपको इसमें लाइनिंग मिलती है. सो या दिस इज द नेक्स्ट वन. एंड इसका फैब्रिक कॉटन है. सो काफ़ी कंफर्टेबल है, समर में भी अच्छा है एंड लॉन्ग है. तो आप इसको विंटर में भी वॉर्म लेगीज के साथ वेयर कर सकती हैं, काफ़ी खूबसूरत लगने वाला है. सो आप ये डेफिनेटली एक बार ट्राई करें, बहुत खूबसूरत पीस है. पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं. अगर कोई और रिक्वेस्टेड वीडियो है आपका, आप कोई और वीडियो देखना चाहती हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं. एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए. एंड टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है लखनवी गर्ल 18, स्क्रीन पे आपको मेंशन दिख रहा है. सो आप मुझे फॉलो कर सकती है वहां पे. तो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.